हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर अदील सिद्दीकी ने इस्तेहकाम पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन के जेर इंतजाम माओं के आलमी दिन पर मेरी माँ मेरी जन्नत के उनवान पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि माँ की गोद इंसान की तरबियत किस कदर अहम और बुनियादी किरदार अदा कर सकती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों तले है। ताजिर बिरादरी इन तमाम माओं को सलाम पेश करती है कि जिनके बेटों ने वतन अजीज पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए शहीद हुए। माएँ अपनी बेलौस कुर्बानियों, गैर मशरूत मोहब्बत और गैर मुतजलजल लगन के जरिए आने वाली नस्लों की तश्कील में कलीदी किरदार अदा करती हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन अहसन नागर ने मेहमानाने ग्रामी का खैर मकदम करते हुए कहा कि तकरीब के इनेकाद का मकसद मोहब्बत के खालिस तरीन रंग के तकद्दस, रिश्ते की अजमत और अहमियत को नौजवान नस्ल में उजागर करना है और माओं के लिए अकीदत, शुक्रगुजारी और मोहब्बत के जज्बात को फरोग देना है। तकरीब से पीर अलहाज गुलशन इलाही, जियाउद्दीन शेख एडवोकेट, सैयद बरकात रिजवी, रिफत जैदी, नवाबुद्दीन कुरैशी, फौजिया खोकर और अरहम कलीम ने अपने खिताबात में माँ की शान और अजमत के मुख्तलिफ पहलुओं पर सैर हासिल गुफ्तगू की। माँ का यह आलमी दिन हर साल मई के दूसरे इतवार को दुनिया भर में मनाया जाता है। तकरीब में नईम अख्तर रिजवी, आजम रियाज, हाजी जावेद खिलजी, असलम खान देसवाली, यूनुस जमाल, सईद कायम खानी, हम्माद दुरानी, अब्दुल कयूम शेख, हकीम सैयद इरफान शाह, फैसल अकबर, साजिद शेख, कामरान राजपूत, शुजा शेख, हारून आरई, सरदार शेख, अली रजा आरई, नौमान मेमन, कारी सादुल्ला खान, नादिर कुरैशी, अकील मेमन, आबिद शेर, आबिद शब्बीर, अफजाल चौहान, इशरत जहां, नायला परवीन, रशीदा बानो समेत दीगर ने शिरकत की। आज इस्तेकाम पाकिस्तान की जानिब से आज मदर डे के हवाले से माँ की अजमत के ऊपर ये प्रोग्राम था। यकीनी तौर पे ये माँ के हवाले से एक अच्छा इवेंट है और हमें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल का माँ की अजमत के बारे में क्या फरमान है और हमें उनकी अजमत को समझना चाहिए और माँ को भी अपने बच्चों की तरबियत के लिए जो किरदार अदा करती हैं यकीनन वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन मज़ीद जो अल्लाह और उसके महबूब का फरमान है और जो सैयदा खातून जन्नत बी फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का किरदार है माँ का, उसको समझते हुए उस पर अमल करना चाहिए। इसमें ही क्योंकि माँ की गोद जो है वही बच्चों की तरबियत का बेहतरीन ज़रिया है, ये हमारे लिए कामयाबी और कामरानी का ज़रिया। आज इस्तेहकाम पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो मदर इंटरनेशनल डे ऑर्गेनाइज़ किया और उसका मौजू था मेरी माँ मेरी जन्नत, यकीनन इस्तेहकाम पाकिस्तान कौंसिल की ये जो काविशें हैं काबिल सताइश हैं और इसमें इस्तेहकाम पाकिस्तान कौंसिल के चेयरमैन अहसन नागड़, उनकी टीम, उनके अहदेदारान, उनके मेम्बरान यकीनन काबिल सताइश हैं कि उन्होंने ये जो अहम मौजू चुना और इस अहम दिन पे जिस तरह से जितनी खूबसूरती के साथ इस महफिल को मुनक़द किया है और इस मौजू को जब माँ बाप वालदेन की मोहब्बत को उजागर करने में जो आज की ये महफिल यकीनन संग मील साबित होगी। इसी के साथ वमा लेना इल्ल अलबलाग। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस्तेहकाम पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ने मदर के आलमी इंटरनेशनल डे के ऊपर जो है ये तकरीब मुनक़द की जिसका उनवान था मेरी माँ मेरी जन्नत। और आप लोगों ने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम शख्सियात मौजूद थी, उनके साथ साथ हमारी माएँ थी मौजूद थी, शोबे हाय से ज़िंदगी ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन जो माएँ भी हैं और दीगर अपने इदारों में अपनी जॉब भी कर रही हैं वो भी यहाँ मदू की गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये प्रोग्राम मुनक़द किया, अपनी माओं का खराज तहसीन पेश किया और इंशाल्लाह दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हमारी माओं का साया हम पे तादेर कायम दायम रखे।